यातायात पुलिस के द्वारा यातायात एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के कहे अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जंजी बस स्टैंड पर निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 रोगियों के नेत्र परीक्षण किए गए। इसी कड़ी में आज सुबह एक बड़ी हेलमेट रैली का आयोजन भी किया गया। यह रैली लाल परेड मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस परेड ग्राउंड पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली में 200 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। ट्रैफिक लोगों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। आज हमने इसको एक बाइक रैली के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसमें मैं और मेरी पूरी ट्रैफिक की टीम और पुलिस परिवार जो है वो सभी के हो पूरे बाइक से पूरे शहर भर का भ्रमण करते हुए कुछ नियमों को फ्लैश करते हुए बाइक रैली निकाली गई थी। आगे आने वाले दिनों में भी 7 दिन लगातार हम लोग इस तरीके के अभियान चलाए। ये बेसिकली बॉडी वॉर्न कैमरा जो है वो पुलिस अधिकारियों के इस पर लगाया गया है, ताकि ये चीटिंग करते वक्त अगर कोई भी बदसलूकी हो या वो किसी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग उसके ऊपर भी कंट्रोल रख पाए। ऐसे 2 कैमरे अभी हम लोगों ने लगाए हैं जो स्टार्ट किए इस्तेमाल करना, और 15 कैमरों का हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और जल्द ही वो कैमरे भी हम इस्तेमाल करेंगे। आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि गुना जिले में जितनी भी जगह पे इस तरीके की हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं, सारे के सारे पुलिस के पास में बॉडी वॉर्न कैमरा हो। आज सुबह हेलमेट भी निकाली गई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और इसके बाद ये ड्राइवरों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी ऑटो चालक एवं बसों के ड्राइवरों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है, जिसमें जो कमी है जैसे चश्माई कमी है या मोतियाबिंद है या कोई भी और भी परेशानी है, उनका प्रॉपर इलाज अगर मान लो यहाँ चेक होने के बाद फिर उनका प्रॉपर इलाज बिलासपुर अस्पताल में कराया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे? ये पूरा प्रोग्राम 7 दिन का है और इसमें आगे भी डे बाई डे अलग अलग प्रोग्राम चलते रहेंगे।